सर मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, जब चुनावी साल है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर। मोदी जी सर चुनाव आ रहे हैं, चुनावी साल है तो मोदी जी बड़ी रैलियां करने का निर्णय। मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो अभी तिरुपति मूल्यांकन जो कराए हैं श्याम सर, हम क्या करें, हमारा हाथ फंसा हुआ है। आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और तमाम लोगों को इसमें निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें शिरकत करने के लिए जाएंगे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है। कई नेताओं को न्योता तक नहीं मिला है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों को जो है निमंत्रण भी नहीं भेजा गया है। हालांकि मंदिर का उद्घाटन है और ऐसे में निमंत्रण का बात जो है वो इस पर जोर दिया जा रहा है। निमंत्रण तो विदेश में भी भेजा गया है लेकिन देश में जिनको नहीं गया है वो एक सवाल है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से बात की जाए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को क्या उनको निमंत्रण मिला है या नहीं मिला है, यह सवाल आज उन्हीं से पूछा गया। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या राम मंदिर के उद्घाटन में आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे घर में मंदिर है और हम तिरुपति बालाजी गए थे, हम जो मुंडन करवाए हैं ये वहीं करवाए हैं। ये बात तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं संकेत में कह दिया है कि राम मंदिर उद्घाटन में शायद डिप्टी सीएम ना जाएं। लेकिन आस्था की जो बात है तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे घर में मंदिर है और तिरुपति बालाजी गए थे, जो मुंडन करवाए हैं ये वहीं करवाए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने आप सुनिए। आप जान ही रहे कि ये होना था और ये कोई पहली बार आप लोगों को भी जानकारी मिली है, हमको मिली है, ये तो पहली बार है ना, ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पर बार बार सफाई देना, बार बार इस पर कॉमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी, अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। एनडीए में ज़्यादा पार्टियां तो है नहीं, मेजर पार्टियां तो है नहीं, तो मेजर पार्टी तो यही लोग हैं ना, तो इस पे क्या बोलना है। सर अमित शाह, नरेंद्र मोदी सभी अब बिहार आएंगे लग रहा है, इसी महीने सीए, सीए इसी महीने लागू होने की संभावना है। क्या आता है नहीं आता है, पूरा ऊपर जब तक हाउस में बिल नहीं पैसे कर देंगे तो हो जाएगा, इस पे क्या कहा जा सकता है। कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है लेकिन होता कुछ नहीं। तो ये चीज़ें आ जाने दी जाएगी। और इस मामले में तो आप लोग सब लोग को पता है कि हमारे पार्टी का क्या स्टैंड रहा। पहले भी पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर के बात रखी गई थी, तो हमारे पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस बात को किया। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और तो मुद्दा है क्या। और हमको भी पूरा यकीन है कि तीन चीज़ों के अलावा आप लोग कुछ नहीं पूछिएगा। हिंदू मुसलमान के बारे में पूछिएगा कहीं ना कहीं से, दूसरा जांच एजेंसियों के बारे में पूछिएगा, और तीसरा जो है आप लोग जो है जो इस तरह की जो सवालें हैं, सीए एनआरसी तो हिंदू मुसलमान का हो ही गया और ईडी एजेंसी का हो गया, बाकी सारी चीज़ आप लोग इंडिया अलायंस का वर्चुअल मीटिंग की जो बात आ रही है क्या आज होना है वर्चुअल मीटिंग आप लोग का। अभी सब लोगों से बात हुई है, देव जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि मीटिंग वगैरह किया जाए और मीटिंग वीटिंग कब होगा कैसे होगा ये अभी क्लियर नहीं है। क्लियर होगा तो बिहार में बीजेपी के द्वारा रैलियां की जाएगी। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आप उप मुख्यमंत्री हैं अयोध्या में, भाई करो नहीं होनी है, उनको निमंत्रण मिला है। हम तो पहले ही कहते हैं और इसके अलावा और कोई आप लोगों का सवाल हो। सर मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, जब चुनावी साल है, हमारे घर में मंदिर है,
हमारे घर में मंदिर मोदी जी बिहार चुनाव आ रहा है, चुनाव ही साथ है तो मोदी जी बड़ी रैलियां करने का निर्णय मोदी जी बिहार आ रहे हैं। तो अभी तिरुपति मुंडन जो कराए हैं हम क्या करें, हमारा हाथ फंसा हुआ है ये बीजेपी सर। मोदी जी